जय श्री माता जी। मैं 2004 से सहज योगा में हूँ और 2014 में मुझे बीपी की प्रॉब्लम शुरू हुई। तब मेरी आयु 50+ थी। कई बार श्री माता जी से वीडियो में भी सुना और सहयोगी भाई बहनों ने भी बताया था कि ब्लड प्रेशर के लिए 3 बार फुट सोक करते हुए लेफ्ट टू राइट डालना है, लेकिन एक दो बार मैंने किया, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं लगा और फिर करना बहुत मुश्किल लगता था, तो मैंने कभी पता नहीं क्यों किया ही नहीं। अब जब से मैं विराट ग्रुप में जुड़ी हूँ तो शायद क्लियरेंस की करने की आदत हो गई है, और चित्त पहले लगाना सहस्त्रार पे हृदय में, ये अच्छे से आ ही नहीं आता ही नहीं था। लेकिन अब जब से 4 महीने हो गए हैं विराट ग्रुप से जुड़ी हूँ, ये सब बहुत अच्छे तरीके से आ गया कि कैसे अपनी अटेंशन को सहस्त्रार पे, हार्ट पे या जहाँ भी आप चाहें लगा सकते हैं। तो अब मेरे को फ्राइडे से बीपी हाई था, 88-160 बीपी था, लेकिन मुझे बीपी के साथ बहुत ज़्यादा घबराहट और एंजाइटी, पैल्पिटेशन होती है जिससे मेरे को बहुत परेशानी होती थी। तो मेरे को फ्राइडे से बीपी हाई था, मैंने राम भैया को फ़ोन किया, सैटरडे को मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे वही कहा कि 3 बार फुट सोक करें और हर बार 108 बार लेफ्ट टू राइट डालें। तो मैंने संडे को, कल सुबह उठकर थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मेडिसिन लेके सोई थी, तो मैंने उठकर ये किया। करने के बाद मैंने जब अपना बीपी नापा तो ऑलमोस्ट नॉर्मल था, और उसके 1-1.5 घंटे बाद नापा तो बल्कि लो साइड चला गया, 109 और 64। उसके बाद मैंने शाम को फिर वही 3 बार फुट सोक किया, 2 बार विराट ग्रुप के साथ किया और 3री बार स्वयं किया, लेकिन 3ों बार मैंने लेफ्ट टू राइट डाला। उसके बाद मैंने बीपी नापा तो मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि लो ही था, 109 और 64। रात को सोते हुए मैंने फिर अपना नापा बीपी तो बिल्कुल ही नॉर्मल, 124 और 70 था, लेकिन थोड़ी थोड़ी घबराहट थी। आज सुबह उठकर फिर मैंने जो 7 बजे का क्लियरेंस सेशन था उसमें 2 बार ग्रुप के साथ फुट सोक किया और 3री बार खुद किया, और 3ों बार मैं साथ में उनके करती भी रही और 108 बार लेफ्ट टू राइट भी डाला। तो आज ना तो मुझे एंजाइटी है ना घबराहट है, बीपी एकदम नॉर्मल रीडिंग में है, और मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे कल परसों बीपी हुआ ही नहीं था। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये मेरे को ये क्रिया कितने दिन तक करनी चाहिए ताकि बीपी की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए। मुझे किसी सहयोगी ने बहुत पहले कहा था कि 3 महीने अगर आप लगातार 2 टाइम ये करें तो बीपी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस बारे में मेरा प्रश्न राम भैया से भी है कि ये मैं कब तक करूं कि ये बीपी बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे को 2014 से ही मैं बीपी की दवाइयां खा रही हूं, और जब भी बीपी बढ़ता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डोज और बढ़ा देता है, एलोपैथी डॉक्टर्स के पास इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तो अब तो यही समझ में आता है, हर बीमारी का इलाज सिर्फ श्री माता जी के पास है, हमें बस ध्यान करना आना चाहिए, अटेंशन आपको कैसे लगानी है वो आनी चाहिए, जो कि मेरे को 10-12 सालों से नहीं आ रही थी और मैं बहुत ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले कि मुझे पता चले ध्यान कैसे लगेगा, वाइब्रेशन कैसे आएगी। श्री माता जी की बहुत बहुत कृपा रही कि मैं इस ग्रुप से जुड़ी, और मेरे को अब बहुत आनंद आता है ध्यान करने में। थैंक यू विराट ग्रुप। जय श्री माता जी।